हेलो दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो दोस्तों, आज अपने पास आए ट्यूबी, तो ट्यूबी का एक गेट पेंटिंग करेंगे और राइट साइड में रनिंग बोर्ड, ये दोनों को अपन पेंटिंग का काम करेंगे। डैमेज पार्ट्स था वहाँ पे, प्लास्टर पुट्टी डाल के इसको घिसाई कर रहे हैं अपन। तो घिसाई करने के बाद फिर इसमें एनसी पुट्टी डालेंगे दो दो हाथ। तो लगभग इसमें घिसाई का काम होने वाला है कि ये सब काम में समय बहुत ज़्यादा लगता है कि फिनिशिंग देना पड़ता है। तो फिनिशिंग के साथ साथ इसमें बहुत सा चीज़ को देखना भी पड़ता है, इस वजह से इस काम में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो ये अब नया बम्फर है, उसी गाड़ी का है, तो बम्फर को भी चेंज करेंगे अपन। तो बम्फर में, नया बम्फर में हल्का हल्का स्क्रेचेस था, वहाँ पुट्टी डाले हैं अपन, लूज पुट्टी डाल दिए हैं ताकि कोई स्क्रेच में पुट्टी जो भी है हल्का पुल्का वो मेकअप हो जाएगा। तो अपन इसको घिसाई कर रहे हैं अब 320 वाटर पेपर से। अब घिसाई करने के बाद इसमें अपन प्लास्टिक प्राइमर चढ़ाएंगे। प्लास्टिक प्राइमर चढ़ाने के बाद फिर इसमें फेस का काम करेंगे अपन। तो अभी तो फिलहाल घिसाई का काम हो चुका है, जो पुट्टी डाले थे उसको घिसाई कर चुके हैं अपन। अब इसको अपन साफ कपड़ा से, इसको पानी जो है उसको पोछ रहे हैं ताकि कि बम्फर में जो भी पानी उनी होगा वो पोछा जाएगा। तो इस साइड में भी है ये हल्का सा, इसको भी घिसाई कर देते हैं। फिर इसमें एक साथ पुट्टी डाल के बेस कोट चढ़ाएंगे। यहाँ पे चद्दर नया डाले हैं क्योंकि चद्दर सड़ चुका था। तो अपन इसमें लूज पुट्टी डाल रहे हैं, तो लूज पुट्टी को अब घिसाई भी कर रहे हैं इसमें। तो इसको अपन 320 नंबर वाटर पेपर से इसको पुट्टी को जितना ज़रूरत नहीं है उतना घिसाई करके निकाल देंगे, जो ज़रूरत का है वो बॉडी में रुक जाएगा। अब बाकी पूरा घिसाई करके इसको निकालेंगे अपन।
तो ये अपना घिसाई का काम कंप्लीट हो चुका है। क्वार्टर पैनल में थोड़ा सा और बचा है, उसको भी घिस देते हैं। फिर इसमें थोड़ा बहुत मास्किंग करना पड़ेगा। फिर मास्किंग करने के बाद फिर इसमें अपन बेस कोट चढ़ाएंगे। तो अपना घिसाई का काम फाइनल हो चुका है। जो भी अपन एनसी पुट्टी डाले थे उसको घिस चुके हैं बॉडी का। अब इसमें बेस कोट चढ़ा रहे हैं अपन। ये अपना बॉडी में बेस को लगा चुके हैं। अब इसमें बम्फर में प्लास्टिक प्राइमर अपन लगा रहे हैं एक कोट। फिर उसके बाद इसमें भी अपन बेस कोट चढ़ाएंगे। तो ये इसमें अब बेस कोट चढ़ा रहे हैं। गाड़ी को आज देना है अपने को, इसलिए सुबह सुबह चले गए थे अपन। करीब अपन वही 7 बजे के पहुंच गए थे दुकान में। तो इसमें आधा काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। 1.5 घंटे में ये पूरा कंप्लीट काम फाइनल हो चुका है। फिर सूखने के लिए छोड़ देंगे। फिर बम्फर को फिटिंग करके खाली बम्फर लगाना है इसमें, उसके बाद कस्टमर को डिलीवरी देंगे। अब इसमें कलर चढ़ाएंगे। तो ये कलर चढ़ा रहे हैं फाइनल। फाइनल कलर चढ़ाने के बाद फिर इसमें अपन क्लियर कोट चढ़ाएंगे 2 कोट। तो बम्फर में अपना कलर का काम हो चुका है। अब बॉडी में कलर चढ़ाएंगे। ये कलर का काम फाइनल हो चुका है। अब इसमें क्लियर कोट चढ़ाएंगे। पेंटिंग के काम में बहुत समय लगता है और बहुत टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। क्योंकि पेंट को एक ही बार में अपने को परफेक्ट करना है, क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिलता इसमें। तो इसलिए पेंटिंग का काम को
हमेशा थोड़ा सा समय निकाल के ही पेंट मारें, ताकि कि एक बार में ही परफेक्ट कलर हो जाए। अगर कहीं पे कुछ नुक्स हो जाता है, फिर उस पीस को जिस पार्ट को मारे रहोगे उसको पूरा दोबारा फिर से मारना पड़ता है। तो अपना बॉडी में क्लियर कोट चढ़ा दिए हैं गेट में, अब बम्फर में भी क्लियर कोट चढ़ा रहे हैं। तो पेंटिंग का काम ख़त्म। अभी देख सकते हो आप, बम्फर लगा दिए हैं इसमें। बम्फर सूख गया था पूरा, इसको बम्फर लगा दिया। हेडलाइट नया डाले हैं एक साइड का। अब इस गाड़ी को देंगे डिलीवरी। रनिंग बोर्ड को भी अपन पेंटिंग कर दिए यहाँ पे। और आपको दिखाते हैं एक चीज़, इसमें ये जो डोर है, ये डोर में पतला सा पट्टी दिख रहा होगा रबड़ के नीचे में, उसको अपन नया बना के डाले हैं, क्योंकि वो जंग से सड़ चुका था, तो वहाँ पे रबड़ रुक नहीं रहा था, तो उसको अपन नया डाले हैं बना के चद्दर का। अब उसमें रबड़ बैठ गया है। पहले क्या है, एसी चलाने से पूरा लीकेज हो जा रहा था वहाँ से। इतना दूर को इसमें टचिंग किए हैं, एक वाटर पैनल को भी टचिंग किए हैं, और इसको पूरा मारे। इस गेट में भी वही कंडीशन था, ये जो पट्टी दिख रहा है रबड़ के नीचे, इसको अपन नया चद्दर का डाले हैं। एकदम परफेक्ट तो नहीं बना है, पर बहुत अच्छा बना है, उससे रबड़ एकदम फिक्स बैठ गया है। अपन एसी चला के देखे भी हैं, अब एसी लीकेज नहीं कर रहा है, अब पूरा ठंडा कर रहा है अंदर में। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे कोई नई गाड़ी में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो का एंजॉय कीजिए। गाड़ी हो चुका है फाइनल, अब इस गाड़ी को कस्टमर को देंगे डिलीवरी। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।